मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं छवि। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की टॉप 10 स्टोरीज ऑफ जुलाई 2019। जानवी कपूर और कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 में करेंगे धमाल। बॉलीवुड के बिगेस्ट फिल्म मेकर करण जौहर ने फिल्म दोस्ताना की रीमेक दोस्ताना 2 का ऐलान करके बी टाउन में हंगामा मचा दिया है। दोस्ताना के रिलीज होने के 11 साल बाद अब इस फ्रेंचाइजी को आगे ले जाया जा रहा है, लेकिन इस बार प्रियंका की जगह जानवी कपूर नजर आने वाली हैं। वहीं दो में से एक एक्टर होंगे कार्तिक आर्यन। रही बात दूसरे हीरो की, तो अब तक करण को इस स्टार की तलाश है। शाहरुख खान ने चलाई बाइक, सचिन तेंदुलकर ने दी नसीहत। सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने 27 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर शाहरुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसके बाद टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किंग खान को मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए बधाई दी। शाहरुख द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो पर सचिन ने ट्वीट किया, प्री बाजीगर डोंट चक द हेलमेट, जब तक है जान तब तक बाइक पर इसका इस्तेमाल करें, 27 साल पूरे होने पर बधाई, जल्द ही मुलाकात होगी मेरे दोस्त। शाहरुख ने फिर इसके जवाब में सचिन को लिखा, मेरे दोस्त हेलमेट पहनकर ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव करना आपसे बेहतर कौन सिखा सकता है। अपने नाती पोतों को बताऊंगा कि मुझे ड्राइविंग की सीख स्वयं महान सचिन से मिली है। फिश करी पर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, आपका शुक्रिया। फिल्म इंडस्ट्री में करीना कपूर ने पूरे किए 19 साल। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में 19 साल का सफर पूरा कर लिया है। करीना ने साल 2000 में अपने फिल्म करियर की शुरुआत जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की थी, जिसमें उनके अपोजिट नजर आए थे अभिषेक बच्चन। करीना कपूर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से उनकी फिल्मों की अलग अलग झलकियों का कोलाज पोस्ट किया गया है। इस पोस्टर में करीना की सभी फिल्मों और उस फिल्म से उनके किरदार का नाम भी लिखा गया है। इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 19 साल आप अपनी पसंदीदा मूवी और किरदार के बारे में बताइए। इस पोस्टर में भी सबसे पहली तस्वीर रिफ्यूजी से है, जिसमें उनके किरदार का नाम नाजरीन नाज था। इसके बाद 2001 में आई फिल्म मुझे कुछ कहना है, जिसमें उनका किरदार था पूजा सक्सेना। फिर साल 2001 में आई यादें, जिसमें उनका नाम था ईशा सिंह पुरी। प्रिया मल्होत्रा फिल्म अजनबी 2011 से। इन तस्वीरों का अंत साल 2018 में आई करीना की फिल्म वीरे दी वेडिंग से किया गया, जिसमें उनके किरदार का नाम कालिंदीपुरी था। 80 साल के होने पर इस तरह दिखेंगे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के ट्रेंडिंग कपल हैं। इन दिनों रणवीर दीपिका के फैन क्लब पर कपल की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कपल 80 साल का हो जाने पर कैसा लगेगा। तस्वीर किसी फैन ने एज ओल्ड फिल्टर का इस्तेमाल करके बनाई है। जिस फोटो पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है वो दीपिका और रणवीर के रिसेप्शन पार्टी की है। तस्वीर में उनके चेहरे पर झुर्रियां दिख रही हैं। रणवीर की दाढ़ी और बाल सफेद हो गए हैं, मगर तब भी दीपिका रणवीर गॉर्जियस लग रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कपल बुढ़ापे में भी स्टाइलिश लगेगा। आलिया भट्ट को अपनी इंस्पिरेशन मानती है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे की डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 भले ही बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद जितना कमाल नहीं दिखा पाई हो, लेकिन अनन्या को दर्शकों ने पूरा सपोर्ट किया है। फिल्म में अनन्या के परफॉर्मेंस की क्रिटिक्स से ऑडियंस समेत सभी ने काफी सराहना की है, लेकिन टैलेंटेड अनन्या अपनी इंस्पिरेशन आलिया भट्ट को मानती हैं। अनन्या ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और बनने की कोशिश करती हूँ, ये बात सच है कि आलिया से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। मैंने जो आलिया से सीखा है वो ये है कि करियर की शुरुआत से लेकर अब तक आलिया ने कभी भी खुद को परफेक्ट दिखाने का शो ऑफ नहीं किया है। वो अपनी पहली फिल्म में काफ़ी नॉर्मल थी, वहाँ से उनमें एक्टर के तौर पर एक ग्रोथ शुरू हुई और आज लोग उनका टैलेंट देख सकते हैं। अगले साल रणबीर कपूर से शादी करेंगी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं। बॉलीवुड का ये चर्चित कपल शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे का हमसफर बनने वाला है। खबरों की माने तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर साल 2020 की शुरुआत में ही एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि आलिया भट्ट अपनी शादी में मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची का डिजाइनर लहंगा पहनेंगी। ये भी बताया गया है कि आलिया भट्ट अप्रैल के महीने में सब्यसाची से मिली थी। आलिया ने सब्यसाची से मुलाकात अपने वेडिंग लहंगे के सिलसिले में की थी। खबरों के मुताबिक ऋषि कपूर सितंबर के महीने में अपना इलाज कराकर न्यूयॉर्क से इंडिया लौट सकते हैं। उनके आने के बाद आलिया और रणबीर की शादी की तारीख फाइनल की जाएगी।
प्रियंका चोपड़ा को पति निक जोनस ने समुद्र में दिया धक्का। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ हाल ही में फ्लोरिडा के मियामी में एक बोट पर पार्टी करते नजर आए थे। इस दौरान प्रियंका बेहद हॉट अंदाज में बिकनी में वहां मस्ती करती दिखी थीं। अब एक तस्वीर सामने आई है जिसमें प्रियंका के पति निक जोनस उन्हें पानी में गिराते नजर आ रहे हैं। पानी में गिरने के बाद प्रियंका चोपड़ा जब बाहर निकली तो उन्होंने लाइफ जैकेट पहन लिया। लाइफ जैकेट पहनने वाली उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने गुलाबी रंग की बिकनी पहनी हुई थी। इस बोट पार्टी के दौरान प्रियंका चोपड़ा समंदर में जेट स्की चलाती भी नजर आई। खास बात यह है कि इस बोट पार्टी के दौरान प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा भी वहां मौजूद थी। सेक्स क्लिनिक चलाती नजर आई सोनाक्षी सिन्हा। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म खानदानी शफाखाना अगले महीने 2 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी पंजाब के बैकग्राउंड पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन शिल्पी दास गुप्ता ने किया है, वहीं डी सीरीज ने इसे प्रोड्यूस किया है। अब फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर में सेक्स को टैबू समझने वालों के लिए टैगलाइन है, बात तो करो। पहले ट्रेलर और दूसरे ट्रेलर में खास फर्क नहीं है, मगर सोनाक्षी सिन्हा और वरुण शर्मा की जबरदस्त केमिस्ट्री और अनु कपूर की अदाकारी फिल्म के ट्रेलर में दमदार नजर आ रही है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा बेबी बेदी का किरदार निभा रही हैं, जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं। बेबी विरासत में मिले सेक्स क्लिनिक को चलाती हैं। फिल्म में वरुण शर्मा सोनाक्षी के भाई का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म से रैपर बादशाह एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं। जया बच्चन पर भड़के अमर सिंह। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन पर निशाना साधा है। अमर सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अमर सिंह कह रहे हैं, कल राज्यसभा में मेरी पुरानी साथी जो अब साथी नहीं है, महिलाओं के बारे में बड़ी पीड़ा से बोल रही थी। कह रही थी कि पोर्नोग्राफी या चलचित्रों के गंदे परिदृश्य अगर आप टीवी में देखते हैं तो रिमोट आपके हाथ में है, रिमोट दबा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अमर सिंह ने आगे कहा कि आप अपने पति से क्यों नहीं कहती कि जुम्मा चुम्मा दे दें ना करें, आप अपने पति से क्यों नहीं कहती कि बारिश में भीगती नायिका के साथ आज रपट जाए तो ना करें। इसके आगे अमर सिंह ने कहा कि आप अपनी पुत्रवधु को क्यों नहीं कहती कि ए दिल है मुश्किल फिल्म में जो परिदृश्य उन्होंने किए हैं वो ना करें, आप अपने बेटे अभिषेक को क्यों नहीं कहती कि यश चोपड़ा की धूप में नायिका लगभग नग्न हो जाती है, उन दृश्यों को देखकर युवाओं के मानस पटल पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप भाषण दे रही हैं सदन में तो अब गूंगी और बहरी रह गई हैं, पहले अपने घर में सुधार कीजिए, समाज में ये जो विकृति है उसमें पूरी सिनेमा जगत की भूमिका है। सलमान खान की बहन के घर से फिर आने वाली है गुड न्यूज। सलमान खान के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बॉलीवुड के भाईजान फिर से मामू बनने वाले हैं। सलमान की बहन अर्पिता खान और जीजा आयुष शर्मा दूसरी बार पेरेंट बनने वाले हैं। अर्पिता का 3 साल का एक बेटा आहिल भी है। सलमान को अक्सर आहिल के साथ खेलते देखा जाता है। अर्पिता और आयुष एक दूसरे को पिछले 6 साल से जानते हैं और 4 साल पहले उन्होंने शादी की थी। अर्पिता खान प्रेग्नेंट है। फिलहाल इस खबर को लेकर सलमान या अर्पिता की ओर से कोई बयान नहीं आया है। अर्पिता का बेटा आहिल पूरे खान परिवार का लाडला है। सलमान खान आहिल को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज के स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।